हम बात कर रहे हैं नूह हिंसा की। नूह हिंसा के बाद हरियाणा के नूह में कर्फ्यू लगातार यहां जारी है। जिले में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है जो अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च लगातार कर रही हैं। जिले में पिछले 3 दिनों में छिटपुट घटनाएं जरूर हुई लेकिन शांति इस वक्त वहां पर है। हालांकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई है, तो वही अभी भी इलाके के अंदर कर्फ्यू जारी है। हालांकि पिछले 3 दिनों के अंदर हालात काफ़ी सुधरे हैं। इस वक्त हम नूह चौराहे पर ही मौजूद है और आप देखिए किस तरीके से प्रशासन ने जो पैरामिलिट्री फोर्स CRPF की तैनाती है वो जगह जगह की है, क्योंकि किसी तरह की कोई अनहोनी और अप्रिय घटना दोबारा नूह के अंदर ना हो उसको लेकर ये खासी तैयारियां पूरे इलाके के अंदर की गई है। अगर आप देखेंगे आसपास की दुकानें अभी भी पूरी तरीके से बंद है क्योंकि कर्फ्यू जारी है। हालांकि 3 से 5 दो घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी जिससे लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपना खरीद सके। अब तक 42 FIR इस उपद्रव को लेकर पुलिस दर्ज कर चुकी है जिसमें 137 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 116 आरोपियों को रिमांड पर लिया है जिससे इस पूरी साजिश का पता लग सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपद्रव हुआ, मंदिर को पहाड़ी के चारों ओर से घेर लिया गया और सामने गाड़ियों में आग लगा दी गई, कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश की आशंका है। और यही वजह है कि इन आरोपियों से पूछताछ कर इनके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये साफ हो पाएगा कि कैसे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, कैसे हिंसा को भड़काया गया, कैसे अफवाह को फैलाया गया और उसी के चलते ये पूरी तैयारियां की गई है। और फिलहाल नूह के अंदर हालात हर दिन के साथ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज, नूह, मेवात। देखिए नूह में ताज़ा हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट मेरे साथी वरुण जैन की आपने देखी। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर हर एक हिस्से पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालात धीरे धीरे सामान्य वहां पर हो रहे हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन लोगों में डर अब भी है। शांति वहां पर बहाल हो रही है ये कहा जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ हिंसा हुई वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है और वो नज़र बनाए हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।